नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MNP नॉलेज स्कूल में। साथियों, जैसा कि वीडियो का हेडिंग आप देख चुके हैं, आज का टॉपिक है ITR फाइल करने का आसान तरीका। हम ये बताएंगे कि ITR होता क्या है, क्यों भरना चाहिए, किसको भरना चाहिए, कब तक आपको भरना है, कैसे भरना है, इस सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखें और हमेशा से चली आ रही आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में विभिन्न विभिन्न प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। साथियों, अगर आपको नौकरी, कारोबार या पेशे से इनकम टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है तो आपके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। आयकर रिटर्न यानी ITR भरने की समय सीमा अब नज़दीक आ रही है। इस साल यानी 2019 में 31 अगस्त तक आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपने ITR फाइल नहीं किया तो आप पर जुर्माना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप में भी ये कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में हम ये कन्फ्यूज़न आपके लिए दूर कर देंगे कि किसको भरना है और किसको नहीं भरना है। देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो आपकी कंपनी और जो आपका यानी आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको फॉर्म 16 जारी करेगा। उस फॉर्म 16 में कितना आप कमाए हैं या कितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका सबका लेखा जोखा होगा, ठीक है। अगर आपको नौकरी या कोई बिजनेस कारोबार से टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है यानी 2.5 लाख का जो लिमिट है उससे अधिक आमदनी होती है तो आपके लिए ITR भरना जरूरी है। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया, अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से ऊपर है उस केस में आपको ITR भरना ही भरना है। आयकर रिटर्न यानी ITR भरने और इनकम टैक्स जमा करने में देखिए फ़र्क होता है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR का मतलब क्या है कि सरकार को अपनी आमदनी और इन्वेस्टमेंट और खर्चों की जानकारी देना कि कितना हम कमाए हैं और कितना हमने सेविंग की है 80C 80D जैसे सेक्शंस के थ्रू। ITR भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, तो वो इनकम टैक्स जमा करना हो गया। लेकिन कई कई बार आपका टैक्स ज़्यादा कट जाता है, उसको आप वापस रिफंड लेते हैं, उसको ITR कहा जाता है। सबसे पहले आइए हम इनकम टैक्स स्लैब देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी आमदनी एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी सरकार को टैक्स नहीं देना है और आपको वैसे तो ITR भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख एक रुपए से लेके 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। लेकिन चूंकि बजट में ये कहा गया कि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप मिला देंगे तो 5 लाख तक की आमदनी पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कुल मिला के आपकी आमदनी अगर 5 लाख तक है तो आपको सरकार को टैक्स नहीं देना है एक भी रुपए। अगर आपकी आमदनी 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम है तो आपको आपकी आमदनी पे 20% टैक्स देना है, और अगर आपकी आमदनी 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना है, ठीक है। दूसरी बात, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी कुल आमदनी सिर्फ एग्रीकल्चर या उससे जुड़े कार्य से होती है तो आपको ITR भरने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी एग्रीकल्चर इनकम पे आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी कुल एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी आपको ITR भरना ज़रूरी नहीं है, समझ गए। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको ITR भरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी या बिजनेस करते हैं और आपकी कुल एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी आप ITR चाहें तो फाइल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन आप फाइल कर सकते हैं। देखिए, इस स्थिति में वास्तव में आपसे सरकार तो कोई टैक्स नहीं ले रही है, आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम है, लेकिन तब भी आप ITR फाइल करेंगे तो इससे ये होगा कि एक आपकी आमदनी का एक ठोस सबूत आपके पास रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ITR फाइल करने के कई फायदे हैं। अगर आप देश से बाहर नौकरी के लिए कहीं आवेदन कर रहे हैं, कहीं आप बाहर जॉब करना चाहते हैं और तो आपके पास पिछले 3 साल का ITR होना चाहिए, और वीज़ा के लिए भी अगर आप आवेदन करते हैं तो भी आपको ITR ज़रूरी है। यानी अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम थी और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो भी सरकार आपसे ITR मांगेगी। उस केस में अगर आपने फाइल नहीं किया होगा आप कैसे देंगे। होम लोन लेने के वक्त भी इसकी ज़रूरत होती है।
आपका ITR वास्तव में ये बताता है कि आपकी आय पिछले सालों में कितनी रही और कर्ज चुकाने के मामले में आपकी क्या स्थिति है। अगर आपकी कुछ कुल मिला के सालाना जो आमदनी है निर्धारित सीमा से कम है, यानी 2.5 लाख से कम है, तो आप जीरो रिटर्न भर दीजिए, निल रिटर्न भर दीजिए कि मैंने कोई टैक्स तो नहीं दिया लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरी इनकम जो है वो ठोस है। इससे आपका आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके रिकॉर्ड अच्छा रहेगा और निल जो आपको रिटर्न भरना होगा वो सामान्य जैसे हम भरते हैं ITR वैसे ही हम उसको भी भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे भरेंगे। तो देखिए ITR भरने के लिए आपको जो ये साइट दिख रहा है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, इसी साइट पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके ये पेज खुल के आएगा। और साथियों देखिए इधर जो चीज़ है, अगर आप पहली बार फाइल करने जा रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिए, और अगर आप पहले से आप फाइल आपका अकाउंट बन चुका है या फाइल आप कर चुके हैं तो आप पोर्टल लॉगिन करिए, ठीक है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप रीसेट पे जाके उसको रीसेट कर लीजिए। देखिए ITR भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है मैं ये आपको बता देता हूँ। आपके पास आपका पैन नंबर होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए क्योंकि पैन और आधार नंबर लिंक होगा, एक मोबाइल नंबर ऐसा हो जो काम कर रहा हो जिस पे SMS आ सके, ईमेल ID आपके पास होना चाहिए वर्किंग कंडीशन में, आपका बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड होना चाहिए जिसमें आपका ITR का जो एक्स्ट्रा पैसा जो कटा होगा वो वापस आएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको फॉर्म 16 आपके पास आपके एम्प्लॉयर ने दिया होगा वो होना चाहिए, और जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम में PPF में NSC में जो सेविंग कर रहे हैं जो आपका 80C 80D के तहत आता है वो सेविंग का डिटेल होना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप ITR फाइल कर लेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट को आपको वेरीफाई करना होता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसका ये ITR आपने फाइल किया है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए देखिए साधारणतः 3 ऑप्शन हैं। आप आधार अपने नंबर से, जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होगा उस पर OTP मंगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक हो। तो पहला तो ऑप्शन हो गया कि आप आधार पे OTP मंगा के यानी मोबाइल पे OTP मंगा के आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा है EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है। अब देखिए कई लोग ऐसे होंगे जिनका आधार नंबर मोबाइल से लिंक या तो नहीं है या कई बार OTP आने में देर होता है। तो आपका अगर किसी बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप उस बैंक अकाउंट नंबर का जब डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिक बैंक के थ्रू आपके पास एक EVC कोड आएगा जो आप डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई बिल्कुल आखिरी में होता है जब आप ITR फाइल कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ आपके पास अगर नहीं है किसी कारणवश तो जिस दिन आप ITR फाइल करते हैं उससे 4 महीने यानी 120 दिन के अंदर आप उस एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट निकालिए, बेंगलोर का एक एड्रेस होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट वहाँ चला जाएगा, वहाँ से आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पहुँच गया है और आपका एक्सेप्ट हो गया है। तो साथियों ये थी आसान शब्दों में ITR फाइल करने का एक तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पे अभी कुछ वीडियोस और आने वाले हैं, मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दे दी, आपके अंदर से डर खत्म कर दिया है। बाकी आने वाले वीडियोज़ में आपको जानकारी थोड़ी और मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जानकारी वाले वीडियो लाते रहते हैं। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।